ये बेस्ट डॉक्टर है और इनकी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इसके बाद वापस से होने के कोई चांस नहीं होंगे। तो फिर उनके बताने पे फिर हम आपके पास आए, फिर आपसे मिले, फिर अब सर्जरी हुई, या फिर आज आपके सामने हो, नाक दोनों तरफ खुली हुई है, पूरे एयरवेज सारे चालू हैं और बस अच्छा लग रहा है। I friend myself Dr. Sunil Tawar, Director Jaipur Durbin Hospital and Nurse Gynecology Center. दोस्तों हमारे साथ हमारे फ्रेंड हैं, मेरे पेशेंट हैं जैन जी। इनको क्या है कि नोज में प्रॉब्लम थी, समहाउ इनकी कहीं सर्जरी भी हुई थी बट दे नॉट रिलीव हुई, तो वह ठीक नहीं हो पाई थी। फिर मेरे पास है, हमने इनकी सर्जरी की, आज 10 दिन है। इनकी डिटेल में मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो हम जैन जी से जानेंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम थी एंड आज जो है इनकी क्या जर्नी थी और अभी जो है सबसे पहले तो मेरी जो बीच वाली बोन थी वो हल्की सी डेविटेड थी, तो सबसे पहले सर्जरी उसके लिए की गई थी कि मतलब नाक सीधी, मतलब जो अंदर वाले बोन है वो सीधा किया जाए। वो उन्होंने निकाला, फिर उसके बाद ड्यू टू क्योंकि जो निकाला था वो वोन अभी ढंग से हील नहीं हुआ था, तो वो वाला पार्ट लेफ्ट साइड से चिपक गया था। तो सेकेंड टाइम फिर वापस उसी चीज़ की सर्जरी हुई और उस टाइम मांस काट के उन्होंने निकाला था। राइट वाली अंडस थी मेरे हिसाब से, लेफ्ट वाली में से निकाला था, वो भी थोड़ा बहुत निकाला था। फिर उसके बाद तीसरी बार, मतलब पहली बार जून में हुआ था, फिर नवंबर में हुआ, और फिर अभी जब लास्ट मतलब ऑपरेशन से दो दो हफ्ते पहले मैंने नोटिस किया कि अंदर वापस से वो सेम चीज़ हो रही है कि वापस चिपक रहा है। तो फिर मैं हमारे फैमिली डॉक्टर से, जो मतलब बचपन से मैं उनको जानता हूँ, तो उन्होंने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि ये बेस्ट डॉक्टर हैं और इनकी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इसके बाद वापस से होने के कोई चांस नहीं होंगे। तो फिर उनके बताने पे फिर हम आपके पास आए, फिर आपसे मिले, फिर अब सर्जरी हुई, या फिर आज आपके सामने हो, नाक दोनों तरफ खुली हुई है, पूरे एयरवेज सारे चालू हैं और बस अच्छा लग रहा है। सो बेटा आपको एक चीज बताओ, जैसे आपकी 2 बार सर्जरी पहले हो चुकी थी एंड किसी डॉक्टर ने लाइक मेरे पास आए, मैंने बताया कि इसकी वापस सर्जरी होगी। एक बहुत मुश्किल होता है सर वापस, क्योंकि वही कहानी वापस दिमाग में आती है। बस दोस्तों इनकी जो है मॉम है, एक मदर के लिए बच्चे का ठीक होना एक बहुत खुशी की बात होती है। मैडम आप बताओगे इनकी जर्नी की कैसे क्या क्या हुआ था? सर, फर्स्ट बार जब हमें पता चला कि नाक में एकदम सांस नहीं आ रही थी, हमने जब फर्स्ट बार दिखाया था हाँ मैम, तो उनने बोला कि कुछ ट्रीटमेंट लो, दवाई इनसे ठीक हो जाएगा। हमने काफ़ी लंबे टाइम में इसके लिए दवाई गोली काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया सर, पर दवाई गोली से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। हाँ तो उससे पहले हम लोग अहमदाबाद में थे, गुजरात में, वहाँ अभी 2 साल हमें यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ पे सर ये प्रॉब्लम मतलब रिसेंट बढ़ी रही थी, घट नहीं रही थी। पूरा नाक ब्लॉक हो जाता था एक साइड से, रात में सोता था तो मेरे को ऑक्ट्रिमिन डालना पड़ता था, बिना ऑक्ट्रिमिन के इसको नींद नहीं आती थी। और सर कभी कभी तो रात में जग के बोलता था कि मम्मा सांस नहीं आ रही है, तो मेरे को वही टेंशन थी कि किस तरीके से इसको। तो फिर सर हमें किसी ने बताया था कि यहाँ ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी यहाँ की। तो फिर फर्स्ट बार उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि बिना सर्जरी के ठीक नहीं होगा। तो सर डॉक्टर पे एक भगवान की तरह विश्वास करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, तो वही विश्वास करके मैंने उनसे फर्स्ट सर्जरी सर करवाई थी। तो उससे पहले ये थोड़ा डर गया था कि मम्मा मेरे को सर्जरी से डर लगता है, क्योंकि एक बहुत वो होती है सर, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है इसकी। तो फर्स्ट बार करवाई थी तो ये सोच के करवाई थी कि शायद दोबारा लाइफ में ये प्रॉब्लम हमें नहीं नहीं बिल्कुल झेलनी पड़ेगी, बिल्कुल बट सर वो चीज़ सक्सेस नहीं नहीं हुई। हो पाई, नहीं हो पाई। तो दोबारा जब रिपीट हुआ तो सर हमें एक थोड़ा सा अंदर डर सा बैठ गया था। तो हमने 3-4 डॉक्टरों से और पूछा था, तो उनने बोला कि बिना सर्जरी के नहीं हो। नहीं हो पाएगा। तो सर फिर हम इतना किसी डॉक्टर के बारे में कंसर्न नहीं थे, लेकिन हमें जिसने बताया उन्होंने बोला कि पहले की जो सर्जरी हुई है वो अनकम्प्लीट है या तो सक्सेसफुल नहीं हुई है, इसलिए दोबारा रिपीट हुआ है। तो फिर हमने जिनसे करवाया उन्हीं को जाके दिखाया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमने एक दो को और दिखाया तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, तो उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला कि दोबारा करूँगी तो फिर मैं ही करूँगी इसकी। तो सर एक ट्रस्ट वाली चीज़ होती है कि हमने दोबारा इन्हीं से करवाया तो हो सकता है कि इस बार रिपीट नहीं होगा। उनने बोला यही था कि रिपीट नहीं होगा,
बट सर एक अंदर डर सा बैठ जाता है, क्योंकि एक बार हो चुकी है, दोबारा फिर वही चीज रिपीट होना बहुत बड़ी चीज होती है। तो सर दोबारा भी हमने जैसे तैसे करके करवाया, लेकिन कुछ टाइम 1 महीने 2 महीने के बाद फिर हमें इसको महसूस होने लगा कि मम्मा मेरे को ऐसा लग रहा है कि नोज मेरी ब्लॉक हो रही है, बेटा ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि हम लोग बोलते थे शायद तूने बहम पाल रखा है, लेकिन फिर हमने डॉक्टर को दिखाया कि हो सकता है सच में ऐसा कुछ हो। है वो फैमिली फ्रेंड मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे को, एक छोटी बहन की तरह। तो उनको हमने दिखाया सर, उनने बोला कि मैं आपको एक ऐसा डॉक्टर बताता हूँ जयपुर के अंदर ही कि लाइफ टाइम शायद आप नहीं भूल पाओगे इस चीज़ को कि आपके लिए कोई वरदान साबित हुआ या फिर कुछ ऐसी चीज़। और मैं गारंटी ले रहा हूँ, अभी आप लोगों ने उनको नहीं दिखाया, उनसे नहीं मिले, पर मैं गारंटी ले रहा हूँ तो छोटी बहन की तरह मेरे लिए कि लाइफ टाइम दोबारा इसको रिपीट नहीं होगा, जो चीज़ें इसने फेस की है दोबारा नहीं फेस करनी पड़ेंगी। तो मैंने कि बस मेरे को यही चाहिए, क्योंकि एक माँ को सर और क्या चाहिए बच्चे के लिए। तो उनने जैसे हम फर्स्ट अगले दिन उनको दिखा गया, दूसरे दिन सर आपके पास आए और आपसे मिल के सर एक माँ को वो मिलती ना ताकत मिलती है कि हाँ एक वो होती है वो चीज़ सर आपसे मिल के मेरे को लगा कि शायद दोबारा रिपीट नहीं होगा। मैं बहुत दिन से भटक रही थी, लेकिन जहाँ मुझे आना चाहिए था थोड़ा लेट हो गया आने में, बट अब आप गुस्से में। बट सर मैं ये हूँ कि मैं बेटे की अब सर्जरी होने के बाद में शायद लाइफ टाइम मैं आपको एक वरदान की तरह मेरी लाइफ में, तो सर मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को दोबारा ये रिपीट नहीं हो, बस कभी नहीं भूलूंगी सर आपको। सबसे पहले तो तहे दिल से इनका थैंक यू कहेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या है कि जब किसी आदमी के साथ ऐसा हो जाता है, दो बार सर्जरी हो जाती है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है किसी डॉक्टर पे बिलीव करना एंड ट्रीटमेंट पे। बट ठीक है, कहीं ना कहीं जो लाइफ में होता है वो अच्छा होता है। अब सब कुछ होके, क्योंकि इनको क्या प्रॉब्लम थी कि जो सर्जरी हुई वो एक्चुअली में इनके नोज के अंदर जो सेप्टम था वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सेप्टम था। बहुत बार हर डॉक्टर का एक कम्फर्ट जोन होता है कि वो इस लेवल तक कर सकता है, तो हो सकता है मेरे को जहाँ तक लगता है कि जो पहले डॉक्टर का जोन था, कंफर्ट जोन था, वो उतना नहीं था, इसलिए वो क्या है कि वो उसको पूरा नहीं कर पाए एंड कॉन्सिक्वेंटली सर्जरी के बाद नोज में कैसे आएंगे क्या बन गई वो और पूरा ब्लॉक हो गया। जो बच्चे को पहले प्रॉब्लम थी उसमें और एड ऑन प्रॉब्लम हो गई। देन जब भी मेरे पास आए, मैंने सीटी स्कैन किया, बिकॉज मैं एक दो सर्जन हूँ मेरे पास जैसे केसेज भी आते रहते हैं, तो इसमें पूरा 3D नॉलेज डॉक्टर को चाहिए होता है। एंड जब हमने सारा जो है हमारा जो भी बेस्ट टेक्निक होती है उसको किया है, 10 दिन बाद बच्चे का नोज बिल्कुल बढ़िया है, दोनों तरफ से ब्रीदिंग होती है एंड ये वापस लाइफ में भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है कम्प्लीट जो है उसका बोन का रिमूवल हुआ है। सो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये मेरी तरफ से है कि आप जहाँ पे भी आप सर्जरी कराते हो, हमें हमारे को ये देख लेना चाहिए, चाहे जयपुर दूरबीन में कराएं, चाहे कहीं पे भी कराएं दुनिया में, हम जो हमारी प्रॉब्लम है और हमारा जो डॉक्टर है वो उसमें कंफर्ट है कि नहीं है, जितनी मेरे को प्रॉब्लम है उसके लिए वो सुटेबल है कि नहीं है। क्योंकि अगर वो उसके लिए सुटेबल है तो आपने अपना नोज अपने सेफ हैंड में दिया है और आपको एक अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन नहीं होगा तो कई बार क्या है जैसे जैन को जैसे बार बार सर्जरी कर परेशान होना पड़ा, वैसे होना पड़ेगा। बाकी ट्रीटमेंट हर चीज़ का होता है, ये हमारी अवेयरनेस और एक जागरूकता होती है कि हमें हमारा जो है ट्रीटमेंट है उसके लिए बेस्ट से बेस्ट एंड जो है वो हमें जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है, जिससे हमारे अच्छे रिजल्ट आए। एंड थैंक यू मैम, एंड थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर।